हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम चंद्रकांत जी से, जो कि बिहार के पटना से बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई का टेट टेस्ट हो चुका है आपके वेस्ट बंगाल के आसानसोल में, और भाई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मैंने उनको कॉल किया था बट ट्रेन में थे तो आवाज़ कट कट के आ रही थी। आप भाई से बात कीजिए, कैसा क्या रहा उनका अनुभव। तो जी चंद्रकांत जी, सबसे पहले आप बताइए आपका थोड़ा परिचय। हेलो बोलिए सर जी, आपका कैसा क्या रहा अनुभव बताइए, जाने से लेके बिल्कुल आने तक का, क्योंकि अब बच्चे जाएंगे नए नए तो उनको जाने का रूट भी पता होना चाहिए, कहाँ पे रुकना है और कैसे कैसे सब कुछ ए टू जेड। यस सर, यस सर। पहली बात तो मतलब पहले स्टेशन से उतरनी है जी, देखनी हो तो स्टेशन से उतरनी है, स्टेशन से जाते के लिए पैदल भी जा सकते हैं सर जी। तीन घंटे होगी जी। चंद्रकांत जी, आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो जरा आपके यहाँ से कौन सी ट्रेन में गए थे ये भी बता दीजिए, अभी बहुत से बच्चे जाएंगे भी। ओ, मैं दानापुर टाटा नगर एक्सप्रेस से गया था सर। जी जी, पटना से। हाँ हाँ, तो वहाँ से मैं गया था आसनसोल, पहुँचा। हाँ हाँ, हाँ दो बजे, दो बजे से मतलब वहाँ पहुँचा तो रिक्शे वाले बहुत पैसे मांगते हैं सर। अच्छा हाँ, 80 रुपया, 90 रुपया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है सर। मैंने तो मतलब 30 रुपया दिया कैंसिल कर गया। हाँ हाँ, लेकिन जो नया जाएगा हाँ हाँ, उसमें मतलब बहुत ज्यादा मांगे और बहुत घुमा फिरा के मतलब इतना घुमाएंगे ना। हाँ हाँ, आपको लगा कि सही मतलब पैसा ठीक ठाक लिया है। अच्छा चंद्रकांत, आप ऐसा शॉर्ट रास्ता बता सकते हैं, डायरेक्ट पैदल भी जा सकते हैं ना वहाँ से तो? यस सर, यस सर, पैदल जाइएगा, दूर नहीं है सर, जो है ज्यादा नहीं जी, पैदल भी जा सकते हैं सर। कितनी दूरी बता रहे हैं आप? 2-3 किलोमीटर होगी सर, ज्यादा ज्यादा। अच्छा ओके, हाँ जैसा बच्चों को बैटर लगे टाइम के अनुसार। बहुत सारा पैदल गया आराम से, ऐसे ग्रुप में मतलब जाइएगा तो जो ग्रुप बनता है मतलब 6-7 ग्रुप हो जाएगा ना। हाँ हाँ, स्टेशन पे। हाँ हाँ, वहाँ छोड़ने का लगभग 10-15 रुपया लेता है एक आदमी। हाँ खैर, वो तो बना लेंगे ग्रुप, चलिए अच्छी ठीक है। तो उसके बाद वहाँ मतलब स्टेशन पर रुक गए। हाँ हाँ, सेंटर देख लिए। हाँ हाँ, सेंटर के बाद वहाँ देख के स्टेशन पे रह गए सर। हाँ हाँ, स्टेशन के बबाद मैं यहाँ सर 3-4 बजे निकले। क्यों चंद्रकांत, स्टेशन पे दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मैंने दयावस्ती में सुना है वहाँ पे चोर चपाटी हो जाती थी, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कुछ? नहीं सर, मतलब वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जी जी, अच्छा फिर आपका कैसा क्या हुआ, आप वहाँ पे गए जरा बताइए। वहाँ गए 5:30 एंट्री हुई। हाँ हाँ सर, पहली बात तो वहाँ जिन जो बच्चे जाए। हाँ हाँ, वो अपना जीरोक्स मतलब ओरिजिनल का जीरोक्स जीरोक्स पक्का ले जाए। जी जी, जीरोक्स मतलब जो सर्टिफिकेट होता है। अच्छा अच्छे से बताइए, कॉस्ट का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, मतलब डोमिसाइल देना होगा तो दीजिएगा, नहीं देना होगा तो मतलब ऑप्शनल है सर। जी जी, अच्छा 12th का सर्टिफिकेट लग रहा है कि 10th का लग रहा है? क्या सर, 10th का लग रहा है, आपको 12th का देना है तो दे, तो 10th का लग रहा है। अच्छा 10th का मैन रहेगा क्योंकि 10th बेस एग्जाम। जी, और क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? वही 10th के मार्कशीट और डोमिसाइल और आधार कार्ड। आधार कार्ड मतलब ओरिजिनल होना चाहिए सर। जी जी, ये आधार नहीं चल रहा है, मतलब कि जो बच्चे निकाल भी लेते हैं नेट से? नहीं सर, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल चाहिए। क्यों, जैसे किसी के पास आधार नहीं है तो फिर वो क्या करे, और कुछ आईडी चल रही है कि नहीं? सर यस सर, चल रही है, पैन कार्ड हुआ अपना, वोटर आईडी हुए, कुछ भी ले रहे हैं सर। चलिए चलिए ठीक है। हाँ ओके सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब सबका फोटो कॉपी करवा ले। हाँ हाँ, कि मतलब वहाँ सबसे पहले आसनसोल की बात करें सर, आसनसोल में था। जी जी सर, फोटो कॉपी मतलब चेक हो रहा है सर, डॉक्यूमेंट मतलब देखा जा रहा है कि आपका फोटो कॉपी है कि नहीं। जी जी सर। हाँ, उसके बाद देखा मतलब अंदर मतलब ले गए। क्यों चंद्रकांत, वहाँ पे 4 फोटो भी लग रही हैं क्या अपनी पासपोर्ट साइज की? सर फोटो की बात, मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो पाई। जी जी, फोटो लेकिन मांग रहे थे सर।
हाँ हाँ लगेंगी, बच्चे ने कल बोला था एक ने। चलिए दो फोटो लग रही थी, दो जी फोटो मांग रही थी। ओके उसके बाद अंदर मतलब ली, उसके बाद वेरीफाई हुआ। हाँ हाँ उसके बाद 50 का बैच बनाया सर। अच्छा 50 का बैच बनाया, 50 का बैच बनाया। 6000 नहीं, 300 बच्चे थे आसनसोल में 16 तारीख को। हाँ हाँ हम सोचे कि मतलब 50 का बैच है, फर्स्ट बैच मेरा ही था सर, हम सोचे कि मेरा हो जाएगा फर्स्ट ही बैच में, लेकिन वैसा नहीं था सर। हाँ कम से कम बैच बनने के बाद हाँ। 2 से 2.5 घंटा बैठे सर, 2.5 से 2.5 घंटा। अच्छा बैच बनाने का तरीका भी वही होगा आपके उसके अनुसार पीटी के आधार पर? नहीं सर, पहले तो ऐसे ही बैच बनाया गया। अच्छा हाँ मतलब जो पहले मतलब लाइन लगा हो तो उसे ऐसे बनाया गया 50 का बैच। अच्छा हाँ उसके बाद 2.5 घंटा बैठाया गया। हाँ 2.5 घंटा के बाद सर मतलब 2.5 घंटा 3 घंटा भी लग गया सर। उसके बाद सीरियल वाइज सीरियल आया सर। हाँ हाँ उसके बाद 15 का बैच बनाया गया सर। हाँ हाँ 15 का बैच बनाया गया सर, मतलब उसके बाद ले गए टेट टेस्ट के लिए। हाँ 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 ऐसे तो मेरा 10वां बैच था सर। हाँ हाँ बता सकते हैं। हाँ हाँ वहाँ 10वां बैच से शुरू करते हैं सर। जी जी सर हमें मतलब लगभग 12:30 में ले गए, 12:30-1 बजे। हाँ हाँ 12:30-1 बजे ले गए, फिर वहाँ आधा घंटा बैठा है सर, मतलब जहाँ मतलब हाँ हाँ बताया गया सर। जी उसके बाद टेट टेस्ट के ले गए जी। उसके बाद सर मतलब जो 15-15 बच्चे को मतलब बैच बना रहे थे, जी जी 2 बैच को एक साथ ले रहे थे सर, जी जी मतलब 30 को एक साथ मतलब टेट टेस्ट करवा रहे थे सर। जी जी मतलब दो साइड काउंटर है सर, मतलब 15-15 का लाइन अच्छी है। हाँ हाँ एक साइड इधर और एक साइड इधर। हाँ हाँ बच्चे ले गए। हाँ उसके बाद पहली इसमें सब्जी कटवाई सर। जी आप लोगों को पहला टास्क मिला सब्जी काटने का? पहले सब्जी काटने का चांस मिला सर। अच्छा हाँ पहले मेरी बात सुनिएगा सर। हाँ हाँ पहले सब्जी काटने की 1.5 मिनट जिसमें आलू हाँ और प्याज था सर। आलू और प्याज के लिए आप लोगों को टाइम दिया गया 1.5 मिनट? यस सर। अच्छा उसको काटना किस टाइप से था, बिल्कुल सब्जी काटते ऐसे क्या सलाह? हाँ उसको सब्जी टाइप काटना था सर। अच्छा गोल छल्ले में तो नहीं काटनी थी आपकी वो प्याज? नहीं सर सब्जी टाइप, जैसे सब्जी कटती है वैसे काटनी थी सर। अच्छा हाँ हाँ समझ गया। और उसको देखिए पहले आलू को छीलना भी रहता होगा? यस सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। अच्छा चंद्रकांत ये बताइए वहाँ पे छीलने के लिए कैसा क्या अवेलेबल है सामान, और काटने के लिए क्या है? छीलने वाले सर मतलब जो छीलने वाले नहीं होते हैं। हाँ हाँ चाकू भी है और छीलने वाले भी है सर। अच्छा चाकू बड़ा है कि छोटा है, कैसा क्या है सर? एक छोटा भी रखा हुआ है। हाँ हाँ और एक बड़ा भी रखा हुआ है। अच्छा जहाँ पे कटिंग करते हो वो काउंटर क्या पत्थर अत्थर के ऊपर करते हो, किस चीज के ऊपर करते हो वहाँ पे काटने के लिए? काटने के लिए वहाँ सर मतलब अच्छी दिया हुआ था प्लास्टिक का कुछ मतलब टैप का है सर, उस पे रख के काटा जाता है। वैसे तो नीचे से प्लाई बिछाया हुआ सर। जी जी और उस पे एक मतलब प्लास्टिक टैप का उस पे रख के काट सकते हैं। जी हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि मतलब प्याज इतना बड़ा होता है ना। हाँ हाँ मतलब छिलको को मतलब ना छीने, मतलब एक बैग काटे और बड़ा सा मतलब गुद्दा होता है ना उसमें से। हाँ हाँ उसको निकाले, अब छीलने में लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत हाँ, बड़ा प्याज होता है सर। जैसे कुछ ज्यादा ही छील दिया मतलब कि ऊपर वाली परत निकाल दी और एक दो निकाल दी तो उसमें रिजेक्ट तो नहीं कर देती? वैसा कोई बात नहीं सर, कितनों छील दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा प्याज होता है सर। हाँ तो दोस्तों के लिए एडवाइस है कि जल्दी से जल्दी एक ही परत में छील दे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम मैनेज करना है वहाँ पे, है ना? कवर निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए एक एडवाइस ये हो गई। हाँ अच्छा चंद्रकांत ऐसा लाइन में करवाते हैं, सारे बच्चे लाइन में डायरेक्ट छीलिंग कर रहे होंगे और काट रहे होंगे, ऐसा सिस्टम है वहाँ पे? नहीं
सर लाइन में ही एक छोटी मतलब 15 जो ले गए ना सर दो ग्रुप को, हाँ सबका एक ही टाइम देते हैं। अच्छा अब बताते हैं सर आगे की बात। अच्छा चंद्रकांत एक बात और बताइए, यहाँ पे एक प्याज दी जाती है एक आलू दिया जाता है? सर एक प्याज और एक आलू दी जाती और वो टाइम किस से काउंट करते हैं, घड़ी लगी रहती है क्या, खड़े रहते हैं कैसा क्या रहता है? घड़ी तो नहीं लगी रहती है, मोबाइल में देखते हैं कॉन्स्टेबल होते हैं। अच्छा वो देखते हैं और मतलब हाँ हाँ बोलिए। मैन होते हैं बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सर। अच्छा वो देखते हैं। अच्छा चंद्रकांत जी बताइए, जैसे आप लोगों को स्टार्ट के लिए बोला जाता है तो क्या सीटी बजाई जाती है, कैसे चालू किया जाता है और कैसे बंद? सीटी बजाई जाती है सर। अच्छा हाँ हाँ चलिए, स्टार्ट के बोले तो सीटी बजाती है, हाँ इन होता है तो सीटी बजाई जाती है। जी जी तो उसके बाद हाँ हाँ बोलिए। उसके बाद सलाद कटवाया गया सर। अच्छा सलाद किस से कटवाया गया, जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनसे की जो सबसे? अभी हम बता रहे हैं ना जो चार स्टेप बताएंगे, हाँ मतलब चार स्टेप बताएंगे ना हम। जी एक राउंड है, एक राउंड जी एक ही राउंड है। जी जी उसके बाद सलाद कटवाया गया। अच्छा बोलिए। हाँ सलाद में सर मतलब टमाटर था, हाँ गाजर था, हाँ मूली था, हाँ और गाजर हो गया, मूली हो गया, टमाटर भी था सर, चार चार तो था सर। अच्छा मूली होगा, गाजर होगा, खीरा भी हो सकता है, खीरा होगा भी साथ सर, खीरा, हाँ खीरा, हाँ हाँ खीरा और बस ये मतलब गाजर बहुत बड़ा था सर, मोटा टाइप का। अच्छा गाजर को काटने से पहले छीलना भी रहता होगा? हाँ ये सर छीलना उतना भी मतलब फास्ट काम था ना सर, इस सलाद काटने के लिए 2 मिनट टाइम मिलता है। हाँ हाँ तो खीरा का वो खीरा छील लीजिएगा पहले। हाँ हाँ छीलने के बाद काट लीजिएगा। हाँ और गाजर भी छीलना होता है सर, गाजर मतलब बहुत गंदगी मतलब गंदी टाइप की गाजर दी थी, अब बहुत मोटा है, मोटी। हाँ 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 काटने में दिक्कत तो नहीं जा रही थी उसको, ज्यादा मोटी हो ऐसी कड़ी हो? सर कड़ी भी थी सर। तो चाकू ऐसे तो रहते हैं कि जल्दी जल्दी कट जाता है? हाँ कट जाएंगे सर लेकिन गंदगी नहीं निकलती है सर। तो गंदगी निकालने के लिए क्या सॉल्यूशन है बताइए आप? अब गंदगी नहीं निकलती आप बोल रहे हैं, तो गंदगी कैसे निकालेंगे वहाँ पे बच्चे? गंदगी नहीं निकालते चाकू से मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब रगड़ दे चाकू से, जल्दी जल्दी छील दे ताकि ऊपर की परत बिल्कुल साफ हो जाए, जिससे साफ हो जाए। पानी से धो दे ऐसे। हाँ हाँ तुरंत काटना ही नहीं मतलब वहाँ ऐसे है सर। हाँ हाँ मतलब बड़े गाजर मिले। हाँ हाँ पूरा पूरा नहीं काटना है सर। जी स्पीड मतलब देखिए सर फास्ट काम करना है ना। हाँ हाँ तो आप पूरा गाजर को मत काटिए। हाँ आधे काटिए दोनों टाइप से, मतलब इधर इधर साइड से भी काट दीजिए। हाँ हाँ और इधर साइड से भी काट दीजिए। हाँ हाँ बना दीजिए। हाँ हाँ और उसको काट कर प्लेट में रख दीजिए। और वैसे भी मालूम गाजर काटते तो फ्रंट साइड और बैक साइड इसको अलग कर देते हैं, बीच से ही लेते हैं, है ना? बड़ा गाजर मिले तो उसको छोटा बना दीजिए सर। जी बहुत जी काट दीजिए। हाँ तो अच्छा रहेगा सर। उधर वो नहीं देख रहे हैं सर कि बड़ा मतलब ढेर काट दे रहे या मतलब ये थोड़ा सा काट रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं सर। हाँ हाँ तो दोस्तों के लिए एडवाइस है कि आप लोग सामने से और पीछे से उसको काट दें ताकि छोटी हो जाए साइज। हाँ वहाँ स्वीट जी। उसके बाद सर तीसरा तीसरा राउंड आया सर। अच्छा दो राउंड में मूली टमाटर गाजर खीरा ये 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है आपको? यस सर। इसमें भी सीटी बजाई जाती होगी क्या सर? इसमें सीटी बजाई जाती होगी कि स्टार्ट कीजिए? आवाज नहीं आ रही सर। मैं बोल रहा हूँ इस राउंड में आपका जो टेस्ट स्टार्ट होता है जिस सलाद कटिंग का, इसमें भी सीटी बजा के स्टार्ट करते होंगे? सब मतलब सीटी बजा के स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश सीटी बजा के करते हैं। जी जी अब नेक्स्ट कौन सा? उसके बाद थर्ड आई सर आटा गूंथने के लिए। आटा गूंथना है? यस सर। 1 मिनट मिलेगा। जी 1 मिनट में आटा गूंथने के लिए मिला सर, मतलब थोड़ा सा आटा मतलब 2 लोई का। हाँ हाँ 100 ग्राम 100 ग्राम लगभग 100 ग्राम था सर। हाँ हाँ इसको गूंथना है, पानी जग में रहेगा सर। हाँ बगल में ही पानी रहेगा सर, उसमें से लेना है जग हाँ, में। हाँ हाँ आटा एक सीटी बजेगी, आटा 1 मिनट में गूंथना है। हाँ हाँ
उसके बाद आटा गूंथने के बाद उसके बाद टेबल साफ करवाया सर। अच्छा, आटा किस टाइप का होना चाहिए जो गूंथते हैं आटा? आटा मुलायम टाइप का होना चाहिए जो रोटी बन सके। अच्छा, आटा कितनी मात्रा में रहता है? आटा 100 ग्राम। 100 ग्राम जी, मैक्सिमम 100 ग्राम सर। जी जी चलिए, एक मिनट मिला सर उसमें। अच्छा हाँ हाँ, उसके बाद जो फोर्थ राउंड होता है, हाँ हाँ, उसमें बेंच साफ करवाया जो आटा हम गूंथते हैं सर। हाँ हाँ, उसमें मतलब सबसे तो थाली धुवा रहे थे लेकिन पानी की कमी थी वहाँ। हाँ हाँ, तो ऐसे ही कहेंगे ऐसे ही मतलब कर दो। अच्छा, नहीं तो पानी यूज ही नहीं करनी है, ऐसे ही साफ कर दो। अच्छा हाँ, ये चारों राउंड मिलाकर एक राउंड है सर। अच्छा, चारों टेस्ट मिला के एक राउंड है जी। जो तीस बंदे गए थे ना सर, हाँ हाँ, ये 300 से करवाएगा चारों राउंड। हाँ हाँ, उसके बाद एक बगल में पंडाल है सर, बगल हाँ, में ही है। हाँ हाँ, उसमें बैठा देगा। हाँ हाँ, बैठाने के बाद 2 या 3 मिनट के बाद रिजल्ट आएगी। हाँ हाँ, एक बंदा को लेगा 30 में से। अच्छा, 30 में से 1 को लेगा? 30 में से 1 को लेगा सर, बाकी को बगल में गेट है सर। हाँ हाँ हाँ, बाकी को मतलब बगल में ही गेट है, कहेगा कि आप जा सकते हैं। अच्छा, और किस एक को लेगा जिससे सब कुछ बन गया? हाँ, सब कुछ मतलब नंबर मतलब वहाँ मिला सर, मतलब वहाँ है कि एक काम के लिए 3 मार्क्स है। अच्छा, तो मतलब कि आप लोगों को 12 नंबर का पूरा राउंड रहा होगा? मतलब चेयरमैन थे सर, हाँ, जो नंबर दे रहे थे। हाँ हाँ, लिख रहे फेस पे लिख रहे थे। हाँ हाँ, उसमें एक कांस्टेबल से मैंने पूछा कि सर ये क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो कहने नंबर दे रहे हैं। अच्छा हाँ, तो पूछे क्या नंबर, मतलब एक एक कहेंगे मतलब एक काम के लिए जो मतलब आटा गूंथा था। हाँ, सलाद बनाया था और सब्जी काटा था। हाँ हाँ, उसके लिए सबसे 3-3 मार्क्स के था सर। अच्छा, 12 नंबर का आपका फर्स्ट राउंड? यस सर जी। हाँ बोलिए। इसका सबसे ज्यादा नंबर था सर। हाँ, उसको मतलब सिलेक्ट 30 में 1 ही सिलेक्ट करना है सर। जी जी हाँ बोलिए, और आगे बोलिए चंद्रकांत जी। उसके बाद मैं तो सिलेक्ट नहीं हो पाया सर। अच्छा, चंद्रकांत जैसे जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते उनको भी नंबर पता चल जाती कि कितने मिले मेरे को? नहीं सर, नंबर वहाँ बताए नहीं जा रहे। अच्छा, जो सिलेक्ट हो गए फिर उनका प्रोसेस क्या रहता है आगे? उनका प्रोसेस सेकेंड राउंड के लिए रहता है सर। सेकेंड राउंड में क्या क्या हो रहा है? सेकेंड राउंड में सर वो मतलब पूछते हैं कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है सर, चेयरमैन। हाँ, मतलब जो आप कहें वो बना सकते हैं, कहे के अनुसार बना सकते हैं कि उनकी इजाजत के अनुसार बना सकते हैं जैसा वो बोल रहे हैं? मैंने जैसा सुना सर, मैंने तो वहाँ गया नहीं। हाँ, जैसा सुना कि मतलब जो मतलब आपकी मन हो वो बना सकते हैं। अच्छा हाँ, कोई टाइम जी। हेलो, हाँ मतलब उसमें टाइम दिया जा रहा था, मतलब जितना टाइम आप ले सकते हैं, परफेक्ट बनना चाहिए। अच्छा, मतलब कि बिल्कुल पंजाब कपूरथला की सिचुएशन है सेकंड राउंड में, जितना टाइम ले सको बनाना है ना? अब वहाँ पे जरा ये बता सकते हो कि एक ही चीज बनानी है कि एक बन गई तो दूसरी भी बनानी है, तीसरी भी बनानी है, चौथी भी बनानी है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं देखा सर। और कल फर्स्ट डे था तो आपको भी उतना अभी डीप नॉलेज नहीं होगा। यस सर, फर्स्ट डे सर वहाँ लेट से भी मतलब टेस्ट चालू हुआ, मतलब कि दोस्तों को जान के पहले वहाँ पे इस चीज का भी पता करना होगा क्या क्या करवा सकते हैं वहाँ पे, है ना? यस जी। अच्छा चंद्रकांत जी, तो आप क्या दोस्तों ने क्या मिस्टेक्स की जा रहे बता सकते हो? आप कैसे क्या देखा आपने? मिस्टेक सबसे ज्यादा मतलब आटे में था सर। आटे में कैसी क्या सर? किसी का मतलब बहुत काढ़ा आटा हो जाता है। हाँ हाँ, किसी का मतलब गीला, वो तो दिल्ली का टेस्ट समझ लीजिए, दिल्ली में जो आटा मिल रहा था 1 मिनट के लिए आपको वो यहाँ पे करके दिखाना है। यस सर, बिल्कुल वैसे ही आटा। हाँ हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 30 में से 1 ही ले रहे हैं सर। हाँ, जो परफेक्ट रहेगा, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हाई रहेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसमें सेकेंड राउंड होगा जो सर, उसमें से भी कुछ बच्चे को छाटेंगे।
अच्छा चंद्रकांत जी, उसमें बच्चे कितने पहुंचते होंगे? जब एक ही बच्चा लेते हैं तो उसमें तो बहुत ही कम सिलेक्टेड बच्चे जाते होंगे ना? दसवां बैच था। हाँ अच्छा, टोटल बैच कितने बने थे आपने बताया? टोटल बैच मतलब लगभग 275 बच्चा फर्स्ट दिन आया था, 275 थे प्रेजेंट थे, 275 और टोटल। हाँ उनका डिवाइड कर लीजिए 30-30 में, है ना? 15 का बैच बना था सर। हाँ 15 का, चलिए ठीक है। अच्छा तो लास्ट में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो दोस्त जाने वाले हैं? क्या सर? आप क्या सलाह देंगे दोस्तों के लिए जिससे उनका टेस्ट क्वालिफाई हो जाए? यही सलाह देना चाहेंगे, मतलब घबराया नहीं, जी कॉन्फिडेंस के साथ जाए और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करके जाए। हाँ तैयारी, सबसे पहले सलाद काटने की तैयारी करके जाए, जी सब्जी काटने की, जी टाइम टाइम मैनेजमेंट के साथ सर, जी जी जो मैंने टाइम बताया सर, मतलब जिनका होगा हाँ हाँ 20 तारीख या 25 तारीख को, या मतलब हाँ हाँ वो अच्छी तरह से तैयारी करके जाए, हो जाएगा सिलेक्शन सर। जी, अच्छा ठीक है। तो फिर चंद्रकांत जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी दोस्तों के लिए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक्स। चलिए थैंक यू।